नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। साल 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालते ही देश के विकास के लिए अथक प्रयास करने वाले पीएम मोदी अब जनता के सामने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। तो वही सत्ता में आने के बाद से विकास के जितने कार्यों का शिलान्यास किया था, अब उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। अभी इसी हफ्ते 4 मार्च के बाद से कई राज्यों का दौरा कर चुके पीएम मोदी ने जहां देश के कुछ हिस्सों में मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, तो वहीं कुछ का उद्घाटन किया। अहमदाबाद से लेकर लखनऊ तक, नोएडा से लेकर नागपुर तक पीएम मोदी ने जिस रफ्तार से मेट्रो प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास से लेकर उद्घाटन किया है, उनकी रफ्तार देखकर अगर उन्हें मेट्रो मैन मोदी कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने जहां भारत की पहली कोलकाता मेट्रो की योजना तैयार करने से लेकर दिल्ली में मेट्रो को रफ्तार दी, तो वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में कई मेट्रो प्रोजेक्ट का धुआंधार शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। 8 मार्च को गाजियाबाद पहुंचे पीएम मोदी ने बताया कैसे ट्रांसपोर्टेशन में नया बदलाव ला रही है सरकार। आज ही लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद 3 मेट्रो प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। कल नोएडा में मेट्रो के नए रूट का लोकार्पण किया जाएगा। कल नागपुर मेट्रो की भी शुरुआत हुई है। इसी हफ्ते अहमदाबाद मेट्रो का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, इसी गति से देश भर के अनेक शहरों में ट्रांसपोर्ट की आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। अब तो एक कदम आगे बढ़ते हुए टिकट और एक्सेस के सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। वन नेशन वन कार्ड जैसी अत्यंत आधुनिक व्यवस्था आज भारत में लागू हो चुकी है। इसी हफ्ते 4 मार्च के बाद से पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो का लोकार्पण किया। नागपुर मेट्रो की शुरुआत हुई। नोएडा मेट्रो के नए रूट का लोकार्पण किया गया और फिर लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। तारीखों में देखिए पीएम मोदी ने इस एक हफ्ते में कहां कहां मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास लोकार्पण किया। 4 मार्च को गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने वस्त्राल गांव मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया। 6.5 किलोमीटर लंबा ये रूट वस्त्राल को अपैरल मेट्रो को जोड़ता है। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक परियोजना के पहले चरण की अनुमानित लागत करीब 10,773 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने नवम्बर 2014 में परियोजना के लिए मंजूरी दी थी। इसके बाद राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 14 मार्च 2015 को परियोजना की आधारशिला रखी थी। 7 मार्च को मोदी सरकार ने महाराष्ट्र के नागपुर शहर को मेट्रो की सौगात दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। नागपुर मेट्रो खापड़ी से सीता बल्दी रूट तक चलेगी। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही जून 2015 को नागपुर मेट्रो का शिलान्यास किया गया था और अब खुद पीएम मोदी ने ही इसका उद्घाटन भी किया। मेरे लिए तो ये डबल खुशी का अवसर है, क्योंकि 2014 में मुझे ही इसका शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला था। इस प्रोजेक्ट के एक भाग का उद्घाटन का हिस्सा बनने का आज फिर एक बार मुझे अवसर मिला है। खापरी से सीताबर्डी तक जो मेट्रो आज चालू हुई है, इससे इस पूरे क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, अब इससे बेपरवाह समय पर अपने पड़ाव पर पहुंचना संभव हो पाएगा। इससे सुविधा और सुरक्षा तो मिलेगी ही, प्रदूषण भी कम होगा और जाम से भी राहत मिलेगी। जब ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा, तब नागपुर की बड़ी आबादी जो आज स्कूटर, बाइक, साइकिल जैसे साधनों पर चलती है, वो मेट्रो के सुविधाजनक सफर का आनंद ले पाएंगे। 8 मार्च को कानपुर पहुंचे पीएम मोदी ने वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन किया।
चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक 23 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये मेट्रो। लखनऊ और आगरा, इनकी मेट्रो लाइन का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज यही कानपुर की धरती से किया गया है। विकास के ये सारे काम उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं। आम यात्री 9 मार्च से मेट्रो में सफर कर सकेंगे। 6,880 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लखनऊ मेट्रो ने 4 साल से भी कम समय लगाया। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में 21 स्टेशन हैं, जिनमें 4 अंडरग्राउंड है। राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी ने कानपुर से लौटने के बाद शुक्रवार रात करीब 9 बजे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से सचिवालय मेट्रो तक सफर किया। कानपुर के बाद 8 मार्च को ही पीएम मोदी गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने हिंडन एयरपोर्ट और दिलशाद गार्डन से न्यू गाजियाबाद बस अड्डा मेट्रो का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने मेट्रो में सफर भी किया। भाइयों और बहनों, दिल्ली एनसीआर की एक बड़ी समस्या रही है जाम और प्रदूषण। दिलशाद गार्डन तक मेट्रो का विस्तार होने से अब आप लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। अब आपको दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में अपने दफ्तर जाने के लिए, युवा साथियों को कॉलेज जाने के लिए भीषण जाम से बचने का विकल्प मिल चुका है। वरना आप सभी की ये शिकायत रहती थी कि 8-9 घंटे दफ्तर में बीतते हैं और 2-3 घंटे सफर में। अब सफर की सफरिंग निश्चित तौर पर कम होने वाली है। आप अपनी गाड़ी को कुछ आराम दे सकते हैं और मेट्रो का इस्तेमाल कर आराम से बिना किसी चिंता के दफ्तर जा सकते हैं। शहर के लोगों को सबसे बड़ा फायदा नया बस अड्डा से दिलशाद गार्डन के बीच चलने वाले मेट्रो का मिलेगा। 8 मार्च को लोकार्पण के साथ लोग इसका लाभ 9 मार्च से उठा सकेंगे। नया बस अड्डे से दिलशाद गार्डन के बीच 8 स्टेशन बनाए गए हैं। ये लाइन गाजियाबाद के अंदरूनी इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से कनेक्ट करेगी। इस लाइन पर 8 स्टेशन होंगे। इससे दिलशाद गार्डन और साहिबाबाद के बीच लास्ट माइल कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। साथ ही मोहन नगर से दिलशाद गार्डन के बीच भी कनेक्टिविटी सुधर जाएगी। गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले करीबन 9 लाख यात्रियों को इससे फायदा होगा। 9 मार्च को पीएम मोदी ने नोएडा में एक और मेट्रो रूट का उद्घाटन किया। नोएडा सेक्टर 32 सिटी सेंटर से सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ब्लू लाइन मेट्रो विस्तार के बाद लोगों का सफर और आसान हो जाएगा। बता दें कि इस रूट पर मेट्रो परिचालन के बाद ये एनसीआर का दूसरा सबसे लंबा ट्रैक बन जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 56.46 किलोमीटर की होगी। उद्घाटन वाले सेक्शन की कुल दूरी 6.675 किलोमीटर है। इसके निर्माण में करीब 1,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथियों, देश में नेक्स्ट जनरेशन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम देते हुए आज दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शिलान्यास किया गया है। 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है यह देश का पहला आरआरटीएस होगा। इसमें रैपिड रेल और मेट्रो दोनों ही ट्रेनें चलेगी। इस आरआरटीएस के पूरा होने के बाद दिल्ली से मेरठ की दूरी सिर्फ 1 घंटे की रह जाएगी। ऐसी ही एक और आधुनिक व्यवस्था, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का शिलान्यास भी किया गया। ये सिस्टम स्पीड वायलेशन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ट्रैफिक सर्वेलेंस कैमरा जैसी अत्यंत आधुनिक तकनीक से लैस है। इससे यहां की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, सड़क यातायात को आधुनिक बनाने के लिए भी नॉर्दर्न पेरिफेरल मास्टर प्लान रोड और आउटर रिंग रोड का शिलान्यास आज किया गया है। जब ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे
तब दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को गाजियाबाद शहर में एंट्री की जरूरत नहीं रहेगी। इससे यहां के ट्रैफिक पर दबाव कम हो जाएगा। साथियों, गाजियाबाद की कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाने वाले ये सारे प्रोजेक्ट आप सभी के जीवन को तो सुगम बनाए गई, साथ में यहां नए उद्यमों के लिए भी नए अवसर पैदा करेंगे। इनसे आसपास के गांव में रहने वाले किसानों के लिए भी अपने दूध, सब्जी, अनाज जैसी तमाम चीजों को दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों पर पहुंचाने में ज्यादा सुविधा होगी। साथियों, मध्यम वर्ग की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप देश के शहरों में, उत्तर प्रदेश के शहरों में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए हमारी सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। मेट्रो हो, RRTS हो, रिंग रोड हो, देश भर के शहरों के आने वाले दशकों के लिए हम तैयार कर रहे हैं। आज ही लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद तीन मेट्रो प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है।